शाहरुख को अवार्ड्स नाइट में डांस करने से नहीं रहा एतराज। फिल्म प्रमोशन के लिए भी किंग खान लगा चुके हैं ठुमके, लेकिन अपेरेंटली आने वाले दिनों में दुबई में होने वाली एक बड़ी सेरेमनी में शाहरुख खान ने डांस करने से कर दिया है इनकार। और जूम को सोर्स से पता चला है कि दुबई में परफॉर्म करने के पीछे शायद काम कर रहा है शाहरुख खान का एक बड़ा डर, इसीलिए शाहरुख का ये इनकार बनने जा रहा है एक बड़ी खबर। उस पर जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि शाहरुख का इनकार उसी इवेंट के लिए था जिसकी ओपनिंग सेरेमनीज को अब तक वो खुद कई बार ऑर्गेनाइज करते आए हैं, तो आपकी हैरानी और भी बढ़ सकती है। और जैसे ही शाहरुख खान की 2020 टीम के लाखों फैंस को ये पता चलेगा कि शाहरुख ने उसी अपकमिंग 2020 टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी में अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाने से मना किया है, जिसका पहला मैच शाहरुख की कोलकाता टीम खेलने जा रही है, ऐसे में शाहरुख और उनकी टीम के फैंस के लिए दुबई में होने वाली 2020 सीरीज से शाहरुख की दूरी की खबर परेशान करने के लिए काफी है। लेकिन दुबई में लगने जा रहे क्रिकेट के मेले से शाहरुख के थोड़ी दूरी बनाने की जो वजह सुनने में आई है वो अब जूम आपको बताने जा रहा है। तो बता दे कि सोर्सेस से पता चला है कि इस बार 2020 के नेक्स्ट सीजन से ठीक पहले स्पॉट फिक्सिंग के मामले के तूल पकड़ने की वजह से ओपनिंग सेरेमनी के ऑर्गेनाइजर्स ने इस इवेंट को लो प्रोफाइल रखने का फैसला किया है। और लगता है शाहरुख को भी क्लियर मैसेज है कि वो क्रिकेट पर चल रही कॉन्ट्रोवर्सीज को ध्यान में रखते हुए इस इवेंट को ज्यादा हाईलाइट ना करें। इसी वजह से जब किंग खान से ओपनिंग सेरेमनी की बात पूछी गई तो उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि इसकी वजह ये भी है कि शाहरुख पिछले काफी दिनों से हैप्पी न्यू ईयर के शूट में बिजी हैं। उस पर 2020 टूर्नामेंट का वेन्यू डिसाइड ना हो पाने की वजह से उनके लिए शेड्यूल फिक्स करना मुश्किल हो गया। और अब जब क्रिकेट फिक्सिंग का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है, तो शायद शाहरुख इस पचड़े से दूर ही रहने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। हालांकि सुनने में आया है कि ओपनिंग सेरेमनी से पहले शाहरुख दुबई में होने वाले गाला डिनर की शान जरूर बनने जा रहे हैं। वैसे क्रिकेट के लिए शाहरुख के क्रेज को देखते हुए सबसे सरप्राइजिंग बात यही है कि जो किंग खान क्रिकेट के मैदान में अपनी फिल्मों को प्रमोट करने का मौका नहीं छोड़ते, और जो SRK कम्पेटिटर्स को उनके रहते क्रिकेट ग्राउंड में जरा भी लाइमलाइट नहीं लेने देते, उन्हीं शाहरुख ने इस बार क्रिकेट पर चल रही कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन का बड़ा मौका छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।